प्रदेश की हर एक खबर 24 घंटे सातों दिन सिर्फ eNewsMP.com पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं eNewsMP और मैं आपके साथ आकांक्षा। केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी बिल लाए गए। बिल के विरोध में विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस के कद्दावर नेता अजय सिंह राहुल और कमलेश्वर पटेल लामबंद हो गए हैं। आइए देखते हैं वरिष्ठ पत्रकार सचिंद्र मिश्र की एक खास रिपोर्ट। एसी कार ऐशो आराम के साथ जीवन यापन करने वाले विंध्य क्षेत्र के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल तामझाम छोड़कर किसानों को न्याय दिलाने अब सड़क पर उतर आए हैं। द्रव्य नेता अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों से समर्थकों के साथ खुद ट्रैक्टर ड्राइव करते सीधी के किसान आंदोलन में शिरकत की। एक ओर जहां विंध्य क्षेत्र में बीजेपी की बहुमत हो और दूसरे इस तरह का जनसैलाब, विपक्ष के साथ सड़क पर उतरे और नारा किसानों के सम्मान में राहुल भैया मैदान में, इसे क्या कहेंगे, बीजेपी की असफलता या फिर नेताओं में आपसी गुटबाजी। विंध्य क्षेत्र के सीधी जिला मुख्यालय में संपन्न किसान आंदोलन ट्रैक्टर रैली में उमड़े जनसैलाब और कांग्रेस नेताओं की उपस्थिति से जाहिर होता है कि देर आए दुरुस्त आए। किसान आंदोलन की वानगी अपने अपने अलग अलग अंदाजों में झलक दिखाई दी। कोई ट्रैक्टर लेकर आया तो कोई हल लेकर प्रदर्शन में मोदी सरकार के खिलाफ लामबंद रहे। कांग्रेस शासन काल में पंचायत मंत्री रहे कमलेश्वर पटेल ने कहा कि आंदोलन दिखावा नहीं है, अपनी रक्षा और केंद्र सरकार के खिलाफ एक जंग है। आंदोलन कोई दिखाने का आंदोलन नहीं है बल्कि अपनी रक्षा का आंदोलन है। आज पूरे देश का किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गलत नीतियों की वजह से शासन की तरह आंदोलन कर रहा है और एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन नहीं बल्कि 2 महीने होने वाले हैं। 2 महीने से दिल्ली की चारों तरफ घेर के किसान देश भर में बैठे हुए हैं। इस ठंड में, यहाँ तक कि बारिश में भीगे भी और टेंट उनका उजड़ गया, उसके बाद भी डटे हुए हैं। ये हम सबको समझने की आवश्यकता है। सीधी जिले के किसान साथियों को भी ये समझने की आवश्यकता है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे अजय सिंह राहुल ने किसान आंदोलन में साफ कर दिया है कि गफलत में नहीं रहेंगे, हम एकजुट होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। पटेल जी बड़े विस्तार से बहुत सारी बात रखी गई, हमें अपना का थोड़ा समझे चाहिए। कानून तो अपने जगह पर है, यह बनावा कहे जा रहा है, का आवश्यकता पड़ी है या मेरे के निरंतर कानून बनावे के भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक जौन कुछ करत है वह खुद अपने सोच से नहीं करता ही। जौन उनका मुख्य संस्था है आरएसएस के, जेखर नागपुर में हेडक्वार्टर है, एजेंडा वह तय करत है और वह एजेंडा के तहत भारतीय जनता पार्टी के कानून बनाओ। लंबे अरसे बाद किसान आंदोलन के बहाने एक मंच पर दिखे दोनों कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी ने विंध्य यानी सीधी के राजनीतिक समा को बदल दिया है। नए जोश, नई उमंग के साथ एक स्वच्छ राजनीति का जहां संचार हुआ है, वहीं सत्ताधारी बीजेपी की गुटबाजी में दिनों दिन और चार चांद लगेंगे। ई न्यूज MP की खास रिपोर्ट में आप देख रहे थे किसान आंदोलन की ये खबर। इस खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। प्रदेश की हर एक खबर 24 घंटे सातों दिन सिर्फ eNewsMP.com पर।